अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल HBA सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू मेक थंबनेल्स फॉर YouTube वीडियोस, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप लोग क्लाइंट को कैसे अप्रोच करोगे और ऑर्डर्स कैसे लोगे। YouTube फ्रीलांस सर्विसेज की आज की सेकंड वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह मैं अपनी वीडियोस के लिए थंबनेल्स बनाता हूं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोग अपने क्लाइंट के लिए थंबनेल्स कैसे बना सकते हैं। और अगर आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहे हैं तो आप लोग थंबनेल की ऑफर के लिए या काम के लिए किस तरह अप्रोच करेंगे किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी क्लाइंट को, अप्रोच करने का राइट तरीका क्या होता है, वो भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि थंबनेल SEO में, यूट्यूब SEO में थंबनेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप लोग ये कह रहे होंगे, यार कहाँ SEO और कहाँ थंबनेल, भाईजान यूट्यूब SEO में थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपकी वीडियो का CTR बहुत ज़्यादा डाउन रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो डी रैंक हो जाएगी, आपको ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलेंगे। अब CTR के ऊपर मैंने डिटेल में बात की हुई है अपने YouTube SEO के कोर्स में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाजमी से उसे फॉलो कर लो। मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। सपोज कि आपकी वीडियो का थंबनेल जो है वो 100 लोगों को दिखाया गया और उसमें से सिर्फ 2 लोगों ने क्लिक किया, तो इसका मतलब है कि आपकी वीडियो का CTR रहा 2%। अब YouTube का CTR और AdSense का CTR दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो मैंने अपने YouTube SEO कोर्स में डिटेल में उसके ऊपर बात की हुई है। तो यहाँ पर आपने थंबनेल इतनी अट्रैक्टिव बनानी है, इतनी अच्छी बनानी है कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आए। अब ये TikTok पे है नहीं कि सिर्फ आप स्क्रॉल करते जाओगे और आपके व्यूज काउंट होते जाएंगे, डबल टैप हो रहे हैं, लाइक हो रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, तो यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पर पहले आपकी थंबनेल दिखाई जाती है, वहाँ पर नीचे टाइटल शो होता है, अगर यूजर का दिल करता है तो वो उसके ऊपर क्लिक करता है, और उस क्लिक करने के भी कुछ सेकंड के बाद वो व्यू काउंट होता है। तो यहाँ पर कुछ और सीन है, इसलिए आपका अगर थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होगा, सपोज आपने बहुत अच्छा SEO किया और वीडियो आपकी रैंक कर भी गई डिफरेंट कीवर्ड्स पर, लेकिन थंबनेल ही अच्छा नहीं है, लोगों को दिख तो रही है थंबनेल, वीडियो आपकी दिख तो रही है लेकिन उसके ऊपर कोई क्लिक नहीं कर रहा, तो YouTube को ये सिग्नल जाता है या तो ये थंबनेल अच्छा नहीं है या कोई स्पैम कर रहा है ये बंदा, जिस वजह से इसकी वीडियो के ऊपर क्लिक्स नहीं आ रहे। अब क्लिक्स नहीं आएंगे तो व्यूज नहीं आएंगे, और व्यूज अगर नहीं आएंगे तो ऑडियंस रिटेंशन अच्छा नहीं बनेगा, और अगर ऑडियंस रिटेंशन ही नहीं अच्छा बन रहा, जितना मर्जी अच्छा SEO किया हो आपने, तो आपकी वीडियो डी रैंक हो जाएगी, वो रैंक नहीं करेगी। तो चलते हैं यार कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि मैं अपनी वीडियोस के लिए थंबनेल्स कैसे बनाता हूं, और आप लोग इंस्पिरेशन कैसे लोगे अगर आपके क्लाइंट की डिफरेंट कैटेगरी है और आप लोगों ने उससे पहले कभी थंबनेल नहीं बनाई हुई, तो आप लोग किस तरह इंस्पिरेशन लोगे थंबनेल बनाने के लिए। तो इस वक्त मैंने canva.com ओपन किया हुआ है, बाय द वे मैं कैनवा का प्रो अकाउंट यूज कर रहा हूँ, इसकी ऑलमोस्ट मंथली जो कॉस्ट आपको पड़ती है वो $13-14 पर मंथ पड़ती है, लेकिन अगर आप लोगों का इतना बजट नहीं है तो उसके लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोगों को वो मिल जाएगी। लास्ट टाइम जिनको वीडियो अपलोड हुई नहीं मिली, मैंने उस वीडियो को दोबारा रीअपलोड कर दिया, आप लोग जाकर देख सकते हो, और बाकी आप लोग को समझदार होगा यार, स्ट्राइक ना पड़वा देना यार। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, या फिर आप @HBA सर्विसेज मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो खैर कैनवा मैं यूज़ करता हूँ, इससे पहले एक मोबाइल एप्लीकेशन है पिक्सल लैब, वो मैं मोबाइल से पहले बनाता होता था, तब मैं पिक्सल लैब यूज़ करता था, लेकिन यार कैनवा उसकी निस्बत काफ़ी अच्छा है, इसकी जो कलर स्कीम है, इमेज की जो क्वालिटी निकल के आती है वो बहुत अच्छी है पिक्सल लैब की, लेकिन अगर आप मोबाइल से बना रहे हैं अपने काम के लिए तो आप पिक्सल लैब यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फोटोशॉप या कैनवा इवन के यूज़ कर सकते हो, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। तो खैर आप यहाँ से सिंपली क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करोगे, और यहाँ पर आप देखें YouTube थंबनेल आपको मिल रही है, अगर ना नज़र आ रहा हो तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो YouTube थंबनेल के लिए। साइजिंग आप देख रहे हैं 1280x720 पिक्सल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाईजान, अगर साइजिंग में अगर आप गड़बड़ करेंगे तो थंबनेल का डिज़ाइन कुछ और बनेगा और वो अपलोड ही नहीं होगी, तो आपने साइजिंग का खास ख्याल रखना है जब भी थंबनेल डिज़ाइन कर रहे हो। तो यहाँ पर से सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लें या फिर ऊपर से सर्च कर लें, सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके पास अगर आप लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको कैनवा की तरफ से रिकमेंड की जा रही होंगी, ये आपकी ब्लैंक शीट है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको कैनवा की तरफ से कुछ टेम्पलेट्स जो है वो रिकमेंड की जा रही है, अगर आप इनमें से कोई यूज़ करना चाहते हैं सो इट्स वेरी सिंपल, आप यहाँ से सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और ये आपकी टेम्पलेट अप्लाई हो जाएगी, इसमें से आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, आप इमेज चेंज करना चाहते हो कुछ भी चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, जो भी चेंजेस आपने करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो कुछ इस तरह से, बहुत ही सिंपल एंड इजी है। यहाँ से अगर आपको कुछ गेम से रिलेटेड अगर आपको टेम्पलेट चाहिए आप यहाँ से देख सकते हो, ट्रैवल से रिलेटेड अगर आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से जाना है, जिस भी हिसाब से आपके क्लाइंट की कैटेगरी है आपने वहाँ से थंबनेल्स ले सकते हो, लेकिन
मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन टेम्पलेट्स को यूज़ करने से बेहतर आप टेम्पलेट्स यूज़ करो, लेकिन इन्हें एडिट करो। अब अगर आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है थंबनेल बनाने से पहले रिसर्च करो। अभी इस वक्त मैंने यूट्यूब पर सर्च किया आर्ट एंड क्राफ्ट। सपोज मेरे क्लाइंट की ये कैटेगरी है, उससे रिलेटेड इसका चैनल है और मैंने इस कैटेगरी में थंबनेल बनानी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस कैटेगरी में जो ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हैं, जो कंपेटिटर्स हैं, उनकी थंबनेल देखूंगा यार उन्होंने कैसे डिज़ाइन किया है, और यहाँ से इंस्पिरेशन लूँगा और कोशिश करूँगा कि इनसे बेटर थंबनेल्स बनाऊँ। आप इनका आइडिया कॉपी कर सकते हो, हल्का फुल्का चेंज कर दो। मैं भी कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं भी इसी तरह इंस्पिरेशन लेता हूँ और अपनी थंबनेल्स को डिज़ाइन करता हूँ, कोई इसमें बुरी बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, प्रोफेशनल हैं, तो फिर आप इंस्पिरेशन लें और अपना खुद क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपकी एक क्रिएटिव सोच है उस फील्ड के अंदर, तो आप लोग अपना डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी थंबनेल्स कामयाब हैं, उन्हीं से कुछ मिलता जुलता आपका डिज़ाइन हो, तभी CTR अच्छा रहेगा। देखिए, अब जिन वीडियोस पर ऑलरेडी अच्छे व्यूज हैं, उनके थंबनेल्स पर अच्छे क्लिक्स आ रहे हैं, तो आप लोग उन्हीं से इंस्पिरेशन ले यार उन्होंने कैसे डिज़ाइन रखे हैं। तो इसी तरह मैं भी अपनी थंबनेल्स बनाने के लिए अपने क्लाइंट की बनकर जब थंबनेल्स बनाता हूँ, तो इसी तरह मैं इंस्पिरेशन ले रहा होता हूँ और उनको बाद में यहाँ पर आकर डिज़ाइन कर लेता हूँ। अब अगर आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर या किसी भी यूट्यूबर को थंबनेल की सर्विस के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो उसके सबसे अच्छा तरीका है उस यूट्यूबर के चैनल पर जाओ, उसके कंपेटिटर की रिसर्च करो, वो थंबनेल्स कैसे बना रहे हैं, और उसकी कुछ वीडियोस के लिए जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनके लिए कुछ थंबनेल्स डिज़ाइन कर लो, 3 से 4 थंबनेल्स बनाओ और फिर उन्हें ईमेल सेंड करो, ये मेरे कुछ डिज़ाइन है, मैं आपके यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल्स बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ, जो भी, ठीक है। अगर आप इस तरह से अप्रोच करोगे, बकायदा उसके चैनल से रिलेटेड अगर आप थंबनेल्स बना रहे हो सकता है उसके चैनल की कोई प्रॉपर एक इमेज है, या वो अपनी इमेज यूज़ करता है या लोगो यूज़ करता है, जो भी वो यूज़ कर रहा होता है, आप उससे रेलिवेंट आप उसकी थंबनेल जब उसे बना के दोगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपकी इमेजेस को, आपके डिज़ाइंस को व्यू करेगा, और मोस्टली चांसेस यही है कि वो उसे पसंद भी आएंगे। अब हायर करना ना करना वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट आपका अगर मेल ओपन होता है, आपके डिज़ाइंस को वो देखता है और उसको ज़रूरत होगी, तो वो डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेगा। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप इस तरह अप्रोच कर सकते हैं। और सेकंड, अगर आप यूट्यूब SEO से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं, तो मैंने स्टार्ट में भी जैसे आपको बताया कि हो सकता है कि आपका क्लाइंट आपसे डिमांड करे या कहे कि थंबनेल आप अपने हिसाब से बनाएं, क्योंकि एक्सपर्ट आप हैं, आपको ज़्यादा पता है कि कौन सी थंबनेल अच्छी है कौन सी नहीं, तो इसलिए भी इसको बनाना, इसको यूज़ करना, इसको सीखना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप यूट्यूब चैनल मैनेजर बनते हैं, $500-600 पर मंथ एक क्लाइंट को आप चार्ज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है यार ये काम आपको खुद आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको कोई एग्जैक्ट डिज़ाइन बनाकर नहीं दिखा रहा, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आपको किस कैटेगरी में काम करना है या फिर किस कैटेगरी का क्लाइंट आपको मिला। अब यहाँ पर जो इस वीडियो में आपने थंबनेल देखी जिसके ऊपर क्लिक करके आप आए, उसका डिज़ाइन कुछ ऐसे। अब ये बहुत ही कुछ सिंपल सा है, यूट्यूब से मैंने इसके लिए इंस्पिरेशन ली, देखे बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है। मैंने कुछ थंबनेल्स अपनी ऑलरेडी अपलोड कर ली और उसके बाद एक शेप यहाँ पर क्रिएट की, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक शेप है और उसके ऊपर सिंपली मैंने इसको थंबनेल्स को इस तरह रख लिया और इसी शेप की डुप्लीकेट कॉपीज ली और यहाँ पर बना दी। ये एक ब्रश है, यहाँ से आप एलिमेंट्स के सेक्शन में आओगे, बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ आपको मिल जाते हैं, आप इन्हें यहाँ से यूज़ कर सकते हो। बाकी ये सिंपल सा टेक्स्ट लिखा है और उसके पीछे मैंने इस शेप को कुछ इस तरह से अप्लाई कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं, और इस तरह से आप थंबनेल्स बना सकते हैं। ये सिंपल मेरे सेकंड चैनल का लोगो है, अगर किसी को नहीं पता डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब कर देना यार इसे भी, ठीक है। तो यार ये कुछ तरीका है इस वेबसाइट को, कैनवा को यूज़ करते हुए आप लोग अच्छी से अच्छी थंबनेल्स बना सकते हो। कैनवा के ऊपर मैं इंशाल्लाह एक प्रॉपर सीरीज़ अपलोड करूंगा यूट्यूब एड्स के कोर्स के बाद, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कैनवा से हम लोग और किस किस तरह की सर्विसेज को सेल करके अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह यूट्यूब एड्स की सर्विसेज के बाद। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग थंबनेल्स किस तरह बनाओगे, किस तरह इंस्पिरेशन लोगे, किस तरह क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो, दोनों चीज़ें बताई। अपने चैनल के लिए भी बना सकते हो, अपने क्लाइंट के लिए भी बना सकते हो, ऑर्डर्स लेने के लिए अप्लाई करने का बेस्ट तरीका क्या होगा वो भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। अब वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, किसी वीडियो की रिक्वेस्ट है, कोई पार्ट मजीद समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं मिलता हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।